हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग ने कल स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो तरीके के सोल्यूशन होते हैं, यानी हल होते हैं, एक मुख्य मान और एक व्यापक मान, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी व्यापक मान को ज्ञात करना सीखेंगे। कल तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले मैंने बताए थे कि इक्वेशन अगर साइन थीटा में है तो फॉर्मूला, कॉस थीटा में है तो, टैन थीटा है तो, और अगर यही इक्वेशन स्क्वायर में है तब कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था ताकि थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कि किस तरीके से लगाना है। तो आज जो है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो हमें लर्न होने चाहिए। तो आज हम दो तरीके के क्वेश्चन आपको बताएंगे। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि अगर इक्वेशन हमारी कॉसेक में है तो उसको हम 1/sin लिख के साइन में चेंज कर लेंगे। अगर इक्वेशन सेक में है तो उसको 1/cos लिख के cos में चेंज कर लेंगे, और अगर इक्वेशन हमारी cot में है तो उसको 1/tan लिख के tan में कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर सीधे दी गई है sin cos tan में तो अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्वेश्चन उस तरीके के सॉल्व करेंगे। तो आज दो तरीके के सिंपल क्वेश्चन होंगे, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी कोई वैल्यू हमें सीधे सीधे पता होगी, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, इसके लिए आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो कल एक एग्जांपल मैंने बताया था वो पॉजिटिव वैल्यू का था। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ इक्वेशन, या तो फिर पूछा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन, यानी समीकरण को हल कीजिए, या फिर समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, या फिर समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, यानी दी गई समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा इक्वल 2/√3। कॉसेक थीटा है, जब कॉसेक थीटा की वैल्यू 2/√3 है तो साइन थीटा की कितनी हो गई, √3/2। अब साइन थीटा इक्वल √3/2, ये साइन 60 यानी साइन π/3 की वैल्यू होती। यहाँ पे सारे एंगल हमको पाई में ही लिखने हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि कौन से एंगल हमको याद रखने हैं, और बाकी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले यही सीखा था कि अगर कोई भी एंगल डिग्री में है तो उसको किस तरीके से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जिन भी विद्यार्थियों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके जो भी उसके 11-12 वीडियोस हैं उसको अच्छी तरीके से देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो साइन थीटा इक्वल √3/2, साइन थीटा इक्वल √3/2, साइन में किसकी वैल्यू, साइन 60 यानी साइन π/3। साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा जैसी इक्वेशन बनी, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान। अब साइन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जो यहाँ एंगल है वो एंगल लिखेंगे, इक्वल साइन के लिए n π + -1 की पावर n, और जो यहाँ पर एंगल है वो यहाँ लिख देंगे। तो थीटा की ये जनरल वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैन 4θ इक्वल √3, तो टैन 4θ इक्वल √3, √3 टैन 60 की वैल्यू होती यानी टैन π/3, टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा जैसी इक्वेशन बन गई। मैंने कहा था यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही लिखाओ, 4θ, 3θ, 2θ, θ/2, θ/4 या फिर एक्स वाई समथिंग भी लिखा हो सकता है, लेकिन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ये नहीं कि 4θ लिखा है तो जनरल वैल्यू ऑफ 4θ लिख दे, नहीं, हमें थीटा की ही वैल्यू निकालनी है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान। अब चूंकि टैन के लिए फॉर्मूला है तो जो एंगल यहाँ लिखा है 4θ यहाँ लिख दिया, इक्वल टैन के लिए क्या होता है n π + जो एंगल इधर है वो इधर लिख दिया। ये तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू लिखी, हमें हमेशा वैल्यू निकालनी होती है थीटा की ही। तो अब यहां से थीटा इक्वल, तो 4 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल n π/4 + π/12, ये नहीं कि थीटा इक्वल n π/4 और + π/3 लिख दें।
तो थीटा की वैल्यू हो गई एन पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 12, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि हमारे पॉजिटिव वैल्यू से संबंधित हैं। अभी अब क्वेश्चन निगेटिव वैल्यू वाले, निगेटिव वैल्यू वाले में थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे कॉस थीटा इक्वल माइनस रूट थ्री अपॉन टू, अब अगर रूट थ्री बाई टू होता तो पता है साइन 30 की वैल्यू होती है, लेकिन माइनस रूट थ्री बाई टू किस एंगल की वैल्यू होती नहीं पता। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। कॉस थीटा इक्वल, अगर निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव साइन लगा दो, बचा कितना रूट थ्री बाई टू। रूट थ्री बाई टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की। अब माइनस कॉस 30, जब तक ये प्लस नहीं होता है तब तक हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब इसे हम क्या लिखेंगे वो समझिएगा, हमें ये सीरियल वाइज तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। सीरियल से, क्योंकि 180 माइनस थीटा ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड में। 360 माइनस थीटा कितना आएगा, फोर में। तो दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो ये सीरियल ध्यान रहे। अब देखेंगे कॉस किस में निगेटिव होता है, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा निगेटिव होता है या नहीं, होता है। 180 प्लस थीटा में भी होता है, 360 माइनस थीटा में नहीं होता है। लेकिन हमें स्टार्टिंग से देखना, जहां मिल जाएगा निगेटिव आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कॉस इसमें भी निगेटिव होता है, इसमें भी, लेकिन पहले कौन आएगा, 180 माइनस थीटा। तो इस कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा ही तो आएगा। तो माइनस कॉस 30 को हम कॉस 180 माइनस 30 लिख लेंगे। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें, माइनस लगा है, माइनस लगा दें, रूट थ्री बाय टू कॉस में किसकी वैल्यू, कॉस 30 की। अब माइनस कॉस किस में होगा, ये हम इनमें सीरियल से चेक करेंगे। यहां से 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब जो एंगल यहां है। अब इनको माइनस कर लेंगे, 150 का मतलब 5 पाई अपॉन 6, कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा जैसी इक्वेशन बन गई। यहां पे नहीं थी क्योंकि यहां माइनस था, यहां माइनस नहीं है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, पूरा नहीं लिखें बार बार, कोई जरूरी नहीं। तो जो एंगल यहां है वो यहां लिख दिया, कॉस में है तो कॉस का फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस, और जो एंगल यहां है वो यहां लिख दिया। तो थीटा की जनरल वैल्यू हो गई। अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो इसको फिर से एक बार देखिएगा, और तब भी ना आए तो फिर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, 4 sin² θ - 3 = 0। तो ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो यहां से 4 sin² θ - 3 = 0 है। तो सबसे पहले यहां से sin² θ = लिख लिया, तो sin² θ = 3/4 आ गया। अब इस टर्म को हम होल स्क्वायर में लिखेंगे, तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े बिना स्क्वायर के थे, लेकिन ये स्क्वायर वाला है। तो sin² θ = 3/4 आया। अब इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर। और √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू, साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 60 यानी sin π/3 की, और होल स्क्वायर। तो ये हो गया sin² π/3। देखिए sin² θ = sin² α जैसी इक्वेशन बनी, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान, जो एंगल यहां वो यहां लिख दिया, इक्वल। स्क्वायर के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टैन का हो, एन पाई प्लस माइनस जो एंगल यहां है वो। तो ये चार क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप कि आपको समझ में आए हो। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये इन सभी में हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इनको आप देख लीजिए, और सभी में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है।
ये क्वेश्चन पॉजिटिव वाले हैं, ये निगेटिव वाले हैं और ये दो स्क्वायर वाले हैं। तो दो दो क्वेश्चन मैंने हर टाइप के दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो इनको अच्छी तरीके से लगाइए, और अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है तो अब आप मुझको इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यही कॉलिंग और यही व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।